ये असेसमेंट है, पेज नंबर कौन सा, 145। दो एंगल का, टू एंगल हुज सम ऑफ हुज मेजर इज 90, दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 आता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक 60 मान लिया, एक 30 मान लिया, तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। टू एंगल जिनको जोड़ने पर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर मतलब ऐसे एक एक इधर जैसे लिखा मान ली 70, इधर वाला बताइए, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो ये 110 हो गया। तो देखो दोनों को जोड़ने पर सप्लीमेंट्री भी आ रहा है और एडजेसेंट यानी अगल बगल में है, ठीक है, एक एक दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, तो सॉरी पॉइंट है। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल, द एंगल ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन लाइन्स आर, तो अगर लाइन्स पैरेलल होंगी तभी ट्रांसवर्सल जब काटेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल। इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाई ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जैसे ये पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल से काट रही है, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का जो होता है इनका सम 180 होता है, तो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। जब दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाई ट्रांसवर्सल, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड, जब तो दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, तो कितने पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, तो इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एक ये है, ये है, एक ये है, तो ये है, दो होंगे, ठीक है। द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट 90 होगा, इन द गिवन पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये 70 है, ये पूछ रहे हैं, तो ये 70, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो ये 70, तो ये भी 70, यहाँ से ये लीनियर पेयर वाला मामला हो गया, यानी कि एक 70 है, ये कितना, ये एक्स मान लिया, तो 180 में से 70 गए, 110 बचे, तो ये 110 हो गया, ठीक है, क्लियर होगी बात।